हीट जोन ऑफ द अर्थ अर्थ के हीट जोन तो ये है टॉरेट टॉरेट जोन टेम्परेट जोन एंड फ्रीट जोन अर्थ को ना एक ही लाइन है इक्वेटर जो नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिसफेयर मतलब दो हिस्सों में बांट रही है इक्वेटर अर्थ को दो हिस्सों में बांट रहा है इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ इक्वेटर के नीचे साउथ तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थन डायरेक्शन में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में और इक्वेटर के नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ में ये पूछा तक नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ तो टोरिड जोन इन दो बीच का जो जोन है वो ही है और ये वो जोन है जहाँ पर मैक्सिमम हीट सन की पड़ती है क्योंकि सन डायरेक्टली यहाँ पड़ती है और इसके अलावा कहीं भी डायरेक्ट सन नहीं पड़ती मतलब थोड़ा स्लेंटिंग पड़ती है इसके अलावा तो टोरिड टोरेट जोन वो जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है द मिड डे सन इज़ एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस ईयर ऑन ऑल लेटीट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब कि इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थन एमिसफेयर में और इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो इन दोनों के बीच का जो जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो जोन है वो टोरेट जोन है और वो ऐसा जोन है जहाँ पर सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ वहीं पर सबसे ज़्यादा हीट होगी दिस एरिया रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज इज कॉल्ड द टोरेट जोन ये ही वो एरिया जो सबसे ज़्यादा हीट को रिसीव करता है सनलाइट सबसे ज़्यादा यहीं पर पड़ेगी क्योंकि ये अर्थ का मिड पोर्सन है द मिड डेसन नेवर साइन ओवर हेड ऑन एनी लेटीट्यूड बियड द ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन मतलब इन दोनों को छोड़ के ये जो जो बीच का जो है अर्थ का इसे छोड़ के ना तो नॉर्थ नॉर्थन हेमिसफेयर में इसके ऊपर ना ही साउथर्न हेमस्फियर में इसके नीचे डायरेक्ट हीट इस तरह से नहीं पड़ेगी मतलब इतनी गर्मी में कहीं भी नहीं होगी जितनी गर्मी ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन के बीच में होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है आर्कटिक सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैफ्रिकॉन के नीचे एंट आर्टिक सर्कल तो वहाँ तो गर्मी का कोई सवाल ही नहीं है तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी वो होगी इन दो जोन के बीच में ही और इन दोनों के जो जोन के बीच का जो है उसे कहते हैं टोरेड जोन तो टोरेड जोन कहाँ है इक्वेटर बीच में है एक इमिशनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है ऊपर वाला पोर्शन हो गया नॉर्थन हेमोसफेयर नीचे हो गया साउथर्न हेमोसफेयर ऊपर वाले रिपोर्ट में ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उतना ही नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो ये सारा एरिया में लागे बनाते हैं बनाता है टोरेट जोन और ये ऐसा जोन है जहाँ पर सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है डायरेक्ट तो हीट भी सबसे ज़्यादा यहीं है उसके अलावा कहीं भी नहीं होगी मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी नहीं होगी और कैप्रिकॉन के नीचे भी नहीं होगी द एंगल ऑफ द सन द एंगल ऑफ द सन रे गोज़ ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड द पोल जैसे पोल के साइड बढ़ेंगे तो वहाँ इतनी गर्मी नहीं होगी क्योंकि वहाँ सनराइज़ डायरेक्टली नहीं पहुँच रही हैं वहाँ थोड़ा अलग तो बेंट हो गए पहुँच रही हैं तो एंगल ज़्यादा हो रहा है वहाँ तो वहाँ डायरेक्ट हीट नहीं पहुँच रही है तो वहाँ इतनी गर्मी नहीं होगी मतलब टोर हीट जोन ही एक ऐसा जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि वहाँ पर सन रेज डायरेक्टली पहुँच रही हैं एज द एरिया बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिसफेयर ये तो नॉर्थन हेमिसफेयर में हो गया आर्कटिक सर्कल एंड एंट्रोपिक पोल नॉर्थ पोल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन कहाँ है साउथ हेमिसफेयर में एंटार्क सर्कल भी साउथर्न हेमस्फेयर में हैव मॉडरेट टेम्परेचर दे फॉर दे आर कॉल्ड टेम्परेट जोन बीच में टोरेट जोन नॉर्थन हेमिसफेयर में उसके ऊपर और साउथर्न हेमिसफेयर में उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ ऑफ कैप्रिकॉन के, के बाद में आएगा टेम्परेट जोन बीच में टॉरिड उसके बाद टेम्परेट जोन वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी इक्वेटर के ऊपर इक्वेटर के नीचे टॉरिड जोन हो गया अब उसके भी ऊपर और नॉर्थन हेमिस्फीयर में ऐसे ही साउथर्न हेमिस्फीयर है ये जोन होगा टेम्परेट जोन मतलब यहाँ इतनी हीट नहीं होगी एरिया लाइंग द आर्कटिक सर्कल अब नॉर्थन हेमिसफेयर में आर्टिक सर्कल है उसके बाद आएगा नॉर्थ पोल तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है किसके बीच का आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का नॉर्थन हेमिसफेयर में हो गया ऐसे ही साउथर्न हेमस्फेयर में एंटार्कटिक सर्कल है और साउथ पोल है साउथर्न हेमस्फेयर में ये बहुत ठंडे होंगे तो इसे कहेंगे फ्रिस्ड जोन टेम्परेट जोन कहाँ तक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक आर्कटिक सर्कल में नॉर्थन हेमिसफेयर में वो एरिया ऐसे ही साउथर्न हेमिसफेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्टिक सर्कल के बीच का एरिया ये टेम्परेट जोन है मतलब बीच में टॉरेट जोन है जहाँ सबसे ज़्यादा हीट है उसके बाद टेम्परेट जोन है नॉर्थन हेमिसफेयर में एंड साउथर्न हेमिसफेयर में किसके बीच में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल नॉर्थन हेमिसफेयर में ऐसे ही साउथर्न हेमिसफेयर में होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्कटिक सर्कल के बीच का वो है टेम्परेट जोन इसके ऊपर अब आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का एक एरिया है ऐसे ही एंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच का एक एरिया है वो हो गया फ्रिस्ड जोन मतलब बहुत ठंडा ये तीन हीट जोन हो गए अर्थ के यहीं पर हम सब रह रहे हैं